हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, बाद हमेशा से मुस्कुराते रहें। आपकी दुआ में जल्दी जल्दी सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए। और सबको आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की मॉर्निंग है। ये देखें सुबह के बज रहे हैं 6:20 हो चुके हैं और मैंने खाने की तैयारी शुरू कर ली है। आज खाना में बना रहे हैं हम मटन पाया। और आप मेरी इस वीडियो के ज़रिए मटन पाया जो है घर पे सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं, तो वो पूरी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो इसके लिए जो ये मटन के पाए ले लिए हैं, तकरीबन ये 4 किलो है, या आप कह सकते हैं कि 5 बकरों के पाए हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने टमाटर भी ले लिए हैं, 2 टमाटर हैं छोटे और 4 अनियन हैं। तो अब इन सबको हम जो है कट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की। और ये मेरा कुकर है, इसमें जो है मैं अपने पाओ को इसमें गलाऊंगी। तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो रही है, पूरी रात हो गई, मुझे नींद नहीं आई। वजह है कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है एलर्जी है, नज़ला ज़ुकाम छींके आना बहुत ज़्यादा। तो खैर जो है आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि तबीयत ठीक हो जाए। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चले करें शुरू। यहाँ पे मैंने एक अनियन को स्लाइस में कट कर लिया, जैसा कि आपको दिखा था कि 4 अनियन 3 टोमेटोस लिया था, तो मैंने 3 टोमेटो 3 अनियन का पेस्ट बना लिया है मिक्स करके एक साथ। और एक अनियन को जो है मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और पैन को रख दिया है मैंने चूल्हे पर। और अपना पैन को ऑन कर चूल्हे को ऑन करते हैं और पैन को करते हैं गरम और अपनी तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। और आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन की बहुत ज़्यादा बरकत है। हदीस में भी आया है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक बड़ा दिन बड़ी चीज़ मुकर्रर की है। तो इसी तरह तमाम दिनों के सरदार को जुम्मे को जो है तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। और जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। वैसे भी दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन जुम्मे के दिन कहा जाता है कि हदीस पाक का मफहूम भी है कि आप सल्लम के दुरूद पाक जो है पेश की जाते हैं, आप सल्लम खुद हमारे दुरूद का जवाब देते हैं। तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी में दुरूद का अहतमाम रखना चाहिए। जुम्मे के दिन स्पेशली दुरूद पाक का अहतमाम कीजिए, जुम्मे की नमाज़ का अहतमाम कीजिए और साथ साथ में सूरह कहफ का, सूरह कहफ की भी कुरान पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है कि जो शख्स हर जुम्मे को सूरह कहफ को पढ़ता है तो एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक जो है अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं और उसको अल्लाह ताला अपने नूर में रखते हैं। तो चलें जी अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने जो है स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने एक प्याली ऑयल यानी कि आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल लिया इसमें। और इसमें मैं डाल दूँगी प्याज और उसमें प्याज को जो है ब्राउन, प्याज हो चुके हैं रेडी। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी पाए। ये देखिए पाए मैंने शामिल कर दिए इसमें, माशाल्लाह से अच्छी तरह धो के जला के बिल्कुल जो है रेडी टू कुक कर लिए मैंने इनको। अब इनको जो है मैं अच्छे से फ्राई करूंगी और अब फ्राई करते हुए मैं शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स और मिक्स करने के बाद इनको खूब फ्राई करूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बीच तक इनको मैं इसी ऑयल में जो मैंने प्याज डाले इसमें फ्राई करूँगी। और फिर माशाल्लाह से फाइनली बनकर रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। और अभी आपके इनका लुक चेक करवाती हूँ। और ये देखें इसका लुक है इसकी ग्रेवी बिल्कुल गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं ज़बरदस्त। और अभी हम लोग सब खाने लगे हैं। इसके साथ नान मंगवाए हैं, सलाद है और लेमन कट किए हैं। चलिए आपको दिखाते गर्मा गर्म नान और सालन, सलाद, लेमन। और ट्राई करने वाली है मेरी सिस्टर और बताएंगे कैसे बने। बहुत ही मतलब खानदानी पाए बने, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देख रहे थे ये देखें मैं घुसेगा नहीं, सबको अलग दूंगी। एक मिनट मेरे कपड़ा पहना गया तो रूप कैसे हैं? बहुत जमियान
अब्दुल हादी भाई कैसे हैं? से हाय अब्दुल हादी, से हाय शिफान, से हाय। हेलो ध्रुव।